हेलो दोस्तों, नेचुरल ट्यूटोरियल क्लासेस की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन 3.4 की। तो दोस्तों लास्ट 3.3 लेसन में हमने कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में बात की थी, तो आज मैं उन शॉर्टकट कीज को यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ ताकि आप जो हैं उनको अपनी नोट्स पे उसके नोट्स बना सकें और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों तो लेट्स सी। दोस्तों हमने कल जो है किन किन शॉर्टकट कीज के बारे में बात की थी, तो उसी चीज़ को आज मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों हमने जो बात की थी, सबसे पहले तो हमने बात की थी दोस्तों कि लाइक अगर हमें मेन्यूज़ को हैंडल करना है तो हमें लाइक सबसे पहले अल्ट का बटन प्रेस करना, राइट। जिससे क्या होता है कि हमारी जो मेन्यूज़ रहते हैं उनके ऊपर कुछ लेटर्स जो हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। ओके, सो उन लेटर्स को प्रेस करने से वो मेन्यू या वो टैब काम करने लग जाता है, एक्टिव हो जाता है। ताकि वो एक्टिव इसलिए हो जाता है ताकि हम उनकी कमांड को इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों ये तो इजी था, आई डोंट थिंक इसको जो है नोट करने की ज़रूरत है। सो अब लेट्स सी हमें ऐसी कौन सी कमांड है जिनको नोट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हाउ टू मेक सिलेक्शन या फिर हाउ टू सेलेक्ट लाइन्स। लाइन्स को कैसे सेलेक्ट करना है, लाइन्स को सेलेक्ट करने के लिए आपको जो है शिफ्ट का बटन प्लस में एरोज़ का यूज़ करना है। एरोज़ का यूज़ करना है इन द सेंस मीन्स दोस्तों कि एरो में अगर आपको लेफ़्ट एरिया में जाना है सेलेक्ट करने के लिए तो आप शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो यूज़ करेंगे। अगर आपको राइट में जाना है तो आप राइट एरो का यूज़ करेंगे शिफ्ट के साथ। अगर आपको अपर साइड में जाना है तो अप, अगर आपको डाउन साइड में जाना है तो डाउन। यही चीज़ हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे चेक करते हैं एक बार। देखिए हमने शिफ्ट का बटन प्रेस किया, अभी एग्जांपल के तौर पे देखिए ये जो हमारी लाइन है सेकंड नंबर की जो लाइन है इसमें जो मेरा कर्सर ये वाला जो ब्लिंक कर रहा है ये आप चेक कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। ये इस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का सिलेक्शन मेक करेंगे बनाएंगे। तो शिफ्ट दबाया, अभी देखो ये वाला एरो दोबारा हूँ मैं लेफ्ट वाला। अब मैं आपको माउस कर्सर के जरिए स्क्रीन कीबोर्ड पर प्रेस करके दिखा रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड में सेलेक्ट कर रहा है। इसी प्रकार से राइट साइड में देखिए, इसी तरह से अपर साइड में डाउन में वापस आ रहा है ये। तो ये था आपका दोस्तों शिफ्ट के साथ आपका एरोज़ को यूज़ करना ताकि हम लाइंस को सेलेक्ट कर सकें लाइंस की अलावा, या फिर जो हमारे दूसरे ऑप्शंस हैं फॉर एग्जांपल वर्ड्स कैरेक्टर्स वाइज सेलेक्ट करना हो तो हम इनका सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक कमांड मैं आपको बतानी भूल गया था, मतलब सिलेक्शन में ही, वो है अगर आपको एक ही बार में सब कुछ सेलेक्ट करना है स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करने की बजाय आप जानते हैं कि आपको पूरा कंटेंट ही सेलेक्ट करना है, सो आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि आपका एक ही बार में ये चीज़ हम क्या करते हैं दोस्तों ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे चेक करते हैं। कंट्रोल का बटन देखिए मैंने प्रेस कर रखा है, येलो कलर में हो गया। अब मैं ए प्रेस कर दूंगा तो एक ही बार में ये सारा सिलेक्शन डन हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो यानी कि दो मेथड हमने सीखे सेलेक्ट करने के, नंबर वन सेलेक्ट ऑल, नंबर टू सेलेक्ट स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों सिलेक्शन के बाद हमारा जो पोर्शन आता है सिलेक्शन करने के बाद जो हमने सीखा था दोस्तों कॉपी करना। तो सेलेक्ट करने के बाद ही हम किसी भी कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस में सी प्रेस करना है, तो कंट्रोल सी से हो जाता है कॉपी। इसी प्रकार से पेस्ट करना है तो हमें करना है कंट्रोल प्लस में वी। दोस्तों आप कहेंगे कि कंट्रोल वी से पेस्ट कैसे बना? कंट्रोल वी से पेस्ट इसलिए दोस्तों क्योंकि कंट्रोल पी जब हम प्रेस करते हैं वो प्रिंट कमांड के लिए काम आती है, इसलिए कंट्रोल वी से जो होता है वो पेस्ट होता है। और पेस्ट करने का मतलब मैंने आपको बताया था ऑलरेडी दोस्तों, मान के चलिए कि मैंने यहाँ से जो है कंट्रोल सी शिफ्ट दबा के इस लाइन को कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से, कंट्रोल का बटन दबाया एंड यहाँ पे मैंने सी प्रेस कर दिया एंड देन ये कॉपी हो चुका है। वापस हम जाते हैं
अगली लाइन में जहाँ पे हमें इसको पेस्ट करना है, तो कंट्रोल दबाइए और फिर वी प्रेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। इसी प्रकार से अगली कमांड थी हमारी कंट्रोल जेड, यानी कि अंडू करना, यानी कि अगर आपने कोई काम कर दिया है वो आपको सही नहीं लग रहा है, आप उसको डिलीट करने के बजाय एकदम से ही इसको पहले ऐसा करना चाहते हैं, तो कंट्रोल जेड आप प्रेस करेंगे तो वो चला जाएगा दोस्तों। इज दैट क्लियर दोस्तों? इसी प्रकार से अगर आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं वो ठीक था, तो कंट्रोल प्लस वाई प्रेस कर दीजिए, आपके लिए वो वापस आ जाएगा। तो कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे ये चला जाएगा, कंट्रोल वाई करेंगे तो आ जाएगा। तो अंडू एंड रिपीट, ये दो कमांड दोस्तों हमने कल की थी, तो अंडू यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। तो अंडू के लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों कंट्रोल प्लस जेड। इसी प्रकार से रिपीट के लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों कंट्रोल प्लस वाई। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये था दोस्तों अब तक हमने किया कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई। दोस्तों ये कंट्रोल सी बीच में चिपके से फिर वापस आ गया है, इसे हम हटा देते हैं। तो इसके अलावा हमने किया था कंट्रोल एक्स जो था कट के लिए दोस्तों। तो कंट्रोल एक्स से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे बनाए गए कंटेंट में से अगर कोई भी कंटेंट ऐसा है, कुछ भी लाइंस ऐसी हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करनी है, तो हम कंट्रोल एक्स को करके हम वहाँ से उस उन लाइंस को कट करके हम दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कंट्रोल वी का पेस्ट करेंगे, जिससे कि हमारा जो कंटेंट में दी गई लाइंस जो हम मूव करना चाहते थे वो वहाँ से उठकर दूसरी जगह चल जाएगी। फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल सेलेक्ट करने के बाद जो है कंट्रोल एक्स का प्रेस किया, एंड देन नीचे जहाँ पे हम उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, इसको मिनिमाइज़ करके दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ हम इसको शिफ्ट करना चाहते हैं कंट्रोल वी प्रेस किया तो ऊपर से कंट्रोल सी उठकर नीचे आ गया। तो दोस्तों ये था कमांड्स, ये थी कमांड जो हमने लास्ट वीडियोस में की थी। आई होप आप लोग फिर से इसको चेक कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आगे की न्यू कमांड्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, देखते रहिए नेचुरल ट्यूटोरियल क्लासेस को, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।